तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब वो एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ट्रिगर्ड इंसान किस चीज के ऊपर गुस्सा हो गए थे आप लोग खुद देख लीजिए। मेरे खुद की कुछ प्राइवेट लाइफ तो रह ही नहीं गई है ना, मतलब कोई भी ऐसा मेरे घर पे मेरी छत पे आके बाहर इतनी बदतमीजी से नॉक कर रहा है और मुझे पता क्या बोल रहे हैं कि एक बार पहले भी ऐसा कोई आया था, हम तो उसका देखकर आए हैं, आपने उसके साथ बहुत अच्छे से बात करी थी। ट्रिगर्ड इंसान, हाय 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 भाई, कितना रूड है भाई। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो इसने क्लिप दिखाई थोड़ा सा आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जिसने पूरी स्ट्रीम नहीं देखी होगी उसको पता नहीं होगा, और आई थिंक मुझे भी थोड़ा सा बेटर क्लैरिफाई करना चाहिए था जो मैं अब कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, उस वक्त बज रहे थे रात के 10:30 बजे। क्या आप 10:30 बजे किसी के घर पे, जिसको जो आप एक स्ट्रेंजर ही हूँ मैं, ठीक है आप मेरे को इंटरनेट पे देखते हो बट आई तो पर्सनली डोंट नो यू, राइट। 10:30 बजे रात के आप किसी के घर पे जाते हो, एंड फॉरगेट घर पे जाना, आप घर पे अंदर आके सीधा उसके कमरे पे यू स्टार्ट नॉकिंग, एंड नॉट ओनली नॉकिंग, धड़ 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 इतनी जोर से। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई ना, किसी को सुनाई नहीं दिया होगा वो जितनी जोर से नॉक कर रहे, क्योंकि ये एक साइलेंट माइक है, इसमें सप्रेसर वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वजह से धम 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 जैसी जो आवाज़ होती है कंस्ट्रक्शन वगैरह की नॉइजेस वो आती नहीं है। लेकिन वो रात के 10:30 ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, एंड एकदम से तुम्हारे गेट पे, घर के अंदर तुम्हारे कमरे पे कोई इतनी जोर से बैंग कर रहा है, एंड जब तुम उनसे बात करने जाते हो कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमें तो पता है कि आप अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, हम तो इसीलिए आए हैं। तुम समझ रहे हो मतलब उनका इंटेंशन क्या था, कि दे वॉन्टेड के आप तो लाइव हो ना, हम इसीलिए आए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वो बच्चा नहीं था, वो एटलीस्ट कॉलेज का लड़का होगा या फिर 11th-12th का लड़का होगा, सो ही वॉज स्मार्ट इनफ, उसको समझ आना चाहिए था पूरा, बट उसका इंटेंशन ही यही था कि मैं लाइव स्ट्रीम में इनके घुस जाऊंगा, दैट वॉज हिज इंटेंशन, जो उसने खुद एक्सेप्ट करा। रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान को एक चीज के लिए थोड़ा सा हेट मिल रहा था, किस चीज के लिए ट्रिगर्ड इंसान को हेट मिल रहा था और उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या था आप लोग खुद देख लीजिए। अबे तेरा 13 के वाला मोनेटाइज चैनल किसी को नहीं चाहिए, नल्ले छपरी बेरोजगार, आदत है, जब देखो कोई स्ट्रीम में शुरू करता हूं तो आदत है भीख मांगने, मेरा 13 के वाला चैनल मैं बेच रहा हूं। अबे भाई क्यों बेच रहे, हर स्ट्रीम में आके बेच रहे, कितना बेचेगा, थक चुके हैं लोग तेरा 13,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल खरीद खरीद के। ये देखो एक सेकेंड, यही होता है मेरे साथ, यही दिक्कत है। YouTube वालों को लगता है कि भाई मेरे को सुपर चैटें पढ़नी बंद हो चुकी है, उनको कैसे समझाऊं मैं, हर चैट पे ऐसे ये आ जाते हैं छपरी नल्ले बेरोजगार, ये स्कैम वाले मैसेजेस, इसके नंबर लो यार 8787060869 और इसको भर भर के गालियां निकालो, इसको गालियां दो और इसको बोलो के ढक्कन साले दूसरों की चैट में जाके स्कैम करना बंद कर दे। मैं अपने फोन से कर देता बट फिर नंबर चला जाएगा मेरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, नेक्स्ट न्यूज एल्विस यादव के बारे में। रिसेंटली एल्विस यादव को मेल में एक धमकी मिला, उसी के बारे में एल्विस यादव उनके रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये कहा। भाई कटारिया, जिसको नहीं पता कटारिया संभालता सब चीजें मतलब मेल वगैरह भी देखता रहा, तो इसने मेरे को बताई कि भाई ऐसे ऐसे सीन होगा, इसने फिर मेरे को भेजा मेल है, कोई ऐसी फेक आईडी है, कोई नंबर वंबर सा अजीब सा जे नहीं पता क्या है, और ये अरे सुन ले हमारी भी और इसमें कह रहा, हाँ रे छोरे पहली बात ते हमने खूब फोन करे तैने ठाया नहीं, मतलब कोई लोकल सी भाषा में बोल रहा था अपने वाली भाई। हाँ पहली बात ते हमने खूब फोन करे तैने ठाए नहीं, अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस मेल का रिप्लाई करके हमारी बताई हुई जगह पे मिल, तेरा और तेरी पोर्स की स्पेलिंग भी ना है, पोर्स दोनों का हिसाब करूंगा, ज्यादा हवा में हो गया है तू लड़के बताऊंगा तेरे को अच्छे से। और nice. भाई ने आना, मैंने जब मिल पड़ा था ना तो बताऊंगा पे घने सारे ये लगा रखे थे, मतलब कि बच्चे बच्चे ही है रिप्लाई मांगने के चक्कर में। बहुत अच्छी धमकी दिया गाइस, बहुत अच्छी धमकी दी, मजा आ गया। अब क्या करूँ इसका, मैं इसको फेंक देता हूँ डस्टबिन में। इसको पता एक चीज कर सकते हैं, मम्मा मैंने अभी दिमाग लगाया, इसको कर सकते हैं हम इग्नोर। नेक्स्ट न्यूज क्रेजी दीप के बारे में। क्रेजी दीप बहुत ही जल्द फिजिक्स वाला के ऊपर एक रोस्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसके बारे में क्रेजी दीप कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया, तो उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज आप लोग भी देखिए। हेलो बच्चों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।